अच्छी समझ। अल्कोहल से हेलो एल्किन, देखो मैंने क्या करा, ज़्यादा हो जाता लेंदी इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो में तोड़ दिया, लेकिन हेलो एल्किन के सारे कन्वर्जन इसमें अपन कर लेंगे। हेलो एल्किन के ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। ऐसे ही अपन 10-15 मिनट की अगली, और फिर ऐसे चार वीडियो बनाएंगे, चार वीडियो में सारे ऑर्डिनेट के रिएक्शंस और कन्वर्जन कवर कर देंगे, ठीक है ना। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करें जल्दी जल्दी चलते हैं। सबसे पहला क्या है, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखना है डायरेक्टली। देखो मान लो अल्कोहल लिखा है, कोई सा भी अल्कोहल यहाँ पर लिखा है, जल्दी अल्कोहल कोई सा भी लिखा है यहाँ पर, और अल्कोहल से बनाने के लिए हेलोजन कोई सा भी आ जाए, तो नाम तो अपन को पता है तो आप लिख देंगे कन्वर्जन। तो अब डालना क्या है वो, तो यहाँ पर हेलोजन सोर्स कोई भी ले सकते हैं। हेलोजन सोर्स कौन कौन हो सकता है उसमें से, HCl हो सकता है, SOCl2 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, PCl3 हो सकता है, NaBrH2SO4 हो सकता है, और रेड फॉस्फरस H2 हो सकता है। सारी NCERT की जितनी भी रिएक्शन मैंने सब देखी, सब कवर कर दी अपन ने इसमें, बस उनको ध्यान से पढ़ लेना, खत्म करो, ठीक है। अब बताओ हेलोजन सोर्स कोई सा भी डाल देंगे तो आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा देखो, कुछ नहीं आएगा, एथेनॉल से क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड। तो एथेनॉल लो यहाँ पर और एथिल क्लोराइड लिख लो यहाँ पर। अब यहाँ हेलोजन सोर्स में HCl ले लिया, ठीक, कोई सा भी ले सकते थे अपन। अब इसे क्वेश्चन दे दिया मैंने एथेनॉल से, अब ये अपन ने लिखता जाना है, यहाँ पर खाली जगह छोड़ी थी, वही लिखना था अपन को। तो ये अपन को पता है एथेनॉल, ये अपन को पता है एथिल क्लोराइड, तो अपना हो जाएगा आंसर, ठीक, डन है। आगे बढ़ो, एल्किन से हेलो एल्किन बनाना है। एल्किन से क्या बनाना है अपन को, हेलो एल्किन बनाना है। ये क्या हो गया, दूसरा एल्कीन है, एल्कीन अगर अपने पास दिया हो तो एल्कीन के नामकरण पता है, एथेन में एथेन प्रोपेन कुछ भी दिए हो सकते हैं, और यहाँ पर बोला है हेलो एल्कीन बनाओ, तो हेलो एल्कीन बना देना जो भी दिया हो। अब यहाँ पर डालना क्या है, देखो डालना है हेलोजन डालेंगे, क्योंकि देखो क्लोराइड बना है तो हेलोजन डाला है, हेलोजन ही डालेंगे, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक डालना पड़ेगा, SN-Light डालना पड़ेगा। तो इससे करके लिख देना बस, ये कन्वर्जन आया तो हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अब मान लो अपने पास एल्कीन है से हेलो एल्कीन आया। देखो अब यहाँ पर एल्किन से हेलोल्किन आया, तो देखो यहाँ पर अपन ने एथीन लिखा, एथीन होगा यहाँ पर, एथीन, ठीक है ना, एथीन से अपन को बनाना है। तो ये लिख लिया अपन ने, एथीन लिख लिया, तो यहाँ पर अपन को जो बनाने के लिए वो लिख लिया एथिल क्लोराइड। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पर एच एक्स्ट्रा जुड़ा है और यहाँ पर सी एल एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो HCl डाल देंगे, ये सही हो जाएगा एथीन के लिए। लेकिन अगर प्रोपीन होता, क्या होता, प्रोपीन, ये प्रोपीन सही कर लेना यार, किसी कॉपी है ना, प्रोपीन है अगर यहाँ, तो एक एच जाएगा अपने यहाँ पर और Cl जाएगा अपने बीच में। ये ध्यान रखना, Cl कम H वाले कार्बन पर जाएगा, मार्कोनिकोफ का रूल है, Cl क्या है, कम H वाले पर जाएगा, ठीक, ये रूल है उसका, है ना, कम H वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है, नेगेटिव पार्ट कम H वाले, बस ये ध्यान रखना, कम H वाले डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ, कम H वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है, कम H वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है, कारण पर जाता है, ठीक, ध्यान रखना। चलो बढ़िया, फिर क्या लिखा है इसने, प्रोपेन से प्रोपिल क्लोराइड। देखो प्रोपेन से प्रोपिल क्लोराइड बनाने की बोल दिया इसने, वही जो क्वेश्चन था, तो प्रोपेन नहीं है पहले तो यहाँ, अच्छा प्रोपेन अगर होता तो देखो कैसे करते, CH3 CH2 CH3, और इसका प्रो क्लोराइड डालना है बनकर Cl2 सनलाइट हो जाएगा काम, ठीक है, Cl लगा देंगे, एक H हटा देंगे, ठीक है, ऐसे यूज़ करना। और देखें क्वेश्चन ले लिया क्या, देखो एल्काइन है, एल्काइन से क्या लेना, हेलो एल्कीन, तो एल्काइन अगर होता है अपने पास तो एल्काइन क्या होता है, CH3CH, और बनाना क्या है अपन को, RX बनाना है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर HCl जोड़ना, पहले अपन को यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ जाए, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एक जगह H आ जाए, एक जगह Cl आ जाए, है ना, तो एक पहले हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो H2 डाल दो, फिर HCl डाल दो, है ना, दो बार होनी पड़ेगी, पहले हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो ये CH2 CH2 बन जाएगा, फिर HCl डालेंगे तो ये RX में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे कि देखो ये लिखा है, पहले अपन ने CH2 CH2 करा, फिर अपन ने CH2 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 Cl बना दिया, X लगा दिया यहाँ पर, तो पहले हाइड्रोजनीकरण करने है, फिर अपन को हाइड्रो हेलोजनीकरण करना है, कन्वर्जन आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिलीन से एथिल क्लोराइड बनाओ, तो एसिटिलीन का नाम आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम अगर पता है तो ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल है, है ना। अब चलो अपन कहाँ पे चलते, फिंकरसीन, जल्दी करना पड़ेगा यार। फिंकरसीन देखो, अभी तो अब क्लास में रिवीजन कर लिया अपन ने, फिंकरसीन क्या है, फिंकरसीन नाई है, बनाता आई है, देखो नाई है बनाता क्या है, आई है, NX बार हो जाएगा। थ्योरी लिखनी है, सामान्य अभिक्रिया लिखनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो थ्योरी लिखेंगे, सामान्य अभिक्रिया लिखेंगे, और CDH5 को प्लेस करके आर की जगह पर CDH5 को प्लेस करके लिख देंगे, ठीक है। चलो एथिल क्लोराइड से एथिल हाइड्राइड बनाना है,
सिंपल क्लोराइड था। अब ऐसा कन्वर्जन दिख रहा है ना, फिंगरसिन समझ जाना, फिंगरसिन है ठीक है, तो फिंगरसिन समझ गए तो हो जाएगा काम ठीक सारे। हाँ ये एसीटोन जरूर डालना है, इसमें ध्यान रखना ठीक। आगे बढ़ो, अब जाओ सॉल्ट रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट में डलता है फ्लोरीन, सॉल्ट में डलता है फ्लोरीन। तो देखो ए जी एफ लिया, एफ जो है वो आर के साथ, एक्स जो है वो ए जी के साथ, ये देखो है ना डन है। अब क्वेश्चन आया क्लोराइड से फ्लोराइड बना रहे हैं, समझ जाना सॉल्ट रिएक्शन हो रही है ठीक है। इस तरीके से स्लो कर लेना, आदि कर लेना, स्पीड थोड़ी मीठी रहेगी। हंसदी का अभी की एक बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबन का हेलोजनीकरण करने पर हेलो अल्केन बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लबन का हेलोजनीकरण करने पर हेलो अल्केन बनते हैं, आरएस बनता है ठीक है, आरएस बनता है ठीक है, ये हो गया। चलो अच्छा, सिल्वर एथेनॉइड है, अब देखो सिल्वर, अभी क्वेश्चन कैसा आएगा, सिल्वर एथेनॉइड है, सिल्वर एथेनॉइड में क्या करेंगे, सिल्वर लिखा, एथेनॉइड है तो एथेनॉइड में क्या करते हैं, ओइड में सी डबल ओ लगाते हैं, तो एथेनॉइड में सी, पहले एथेनॉइड बना लो, सी एस सी डबल ओ, फिर सिल्वर लगा दो, ये हो जाएगा सिल्वर। इसका एक और आ सकता है सिल्वर एसीटेट भी आ सकता है, इससे बनाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नेम है, नेम अगर आता है तो सब कुछ हो जाएगा। अब पता पड़ जाएगा यूनिसी का अभिक्रिया का रिएजेंट है, तो यहाँ पे डाल देना हेलोजन डॉक्टर सा भी काम हो जाएगा आपका, ए जी सी एल के साथ, सी एस सी एल के साथ, और जो सी डबल ओ है वो बाहर हो जाएगा ठीक है। अब बताओ ये सब क्या है, अगर देखो अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हेलो अल्केन से अगर अपन को, हेलो अल्केन से अपन को कभी ये बनाने आ जाएँ, ये सारे ग्रुप बनाने आ जाएँ, तो क्या करेंगे, क्या डालेंगे, वो अपन को याद होना चाहिए। देखो हेलो अल्केन से मान लो अपने पास, मैं इसको पहले छिपा दूँ ताकि आपको वो रहे, प्रैक्टिस हो रही हो ऐसा हो जाए ठीक है। अब बताओ अल्कोहल है, साफ साफ दिख रहा है अल्कोहल बनाने वाला, OH बनाना है, मतलब डालेंगे क्या, NaOH ठीक, साफ साफ दिख रहा है एलो अल्केन से क्या बनाना है, ईथर, ईथर बनाने के लिए क्या लेंगे, OR, OR डालना होगा तो Na के साथ ले लेंगे उसे, हेलो अल्केन से नाइट्राइल बनाना है, नाइट्राइल बनाना है, नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल होता है CN है ना, तो क्या ले लेंगे अपन, KCN ले लेंगे। हेलो अल्केन से ईस्टर बनाना है, ईस्टर मतलब क्या होता है, आर सी डबल ओ, सी डबल ओ वाला ग्रुप होता है, आर सी डबल ओ ईस्टर लगेगा तो आर लग जाएगा एक्स्ट्रा इसमें, हेलो अल्केन का आर लग जाएगा, तो आर सी डबल ओ के साथ क्या ले लेंगे, ए जी ले लेंगे। हेलो अल्केन से अपन को नाइट्रो अल्केन बनाना है, तो क्या ले लेंगे, नाइट्रो के लिए क्या ले लेंगे, ए जी एन ओ टू ले लेंगे, मतलब ए जी एन ओ टू ले लेंगे ठीक है नाइट्रो के लिए। हेलो अल्केन से आइसो नाइट्राइल बनाना है, तो क्या ले लेंगे, ए जी सी एन ले लेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है बस और क्या। हेलो अल्केन से अमाइन बनाना है, तो अपन क्या ले लेंगे, अमोनिया ले लेंगे ठीक। तो जो लेना है वो इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड के नाम आपको आने चाहिए, इस साइड जो बन रहा है, इस साइड की जो बन जिससे बन रहा है वो भी आना चाहिए, और लेने के लिए रिएजेंट ये वाले हो गए ठीक है डन है। चलो अच्छा एथिल को, हाँ ये क्वेश्चन छुप गया, एक मिनट एक मिनट, जुम 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 जुम, हाँ तो एथिल, एथिल क्लोराइड है, एथेनॉल बनाना है, तो ओच ओएच ले लिया, बनाने वैसे लिए ठीक। यहाँ पे क्लोराइड से क्या बनाना था अपन को, एथॉक्सी एथेन, तो देखो एथिल था तो एथेन हो गया ठीक, सिंपल एथेन हो गया। एथॉक्सी एक और ग्रुप एथॉक्सी डाल लेना, तो इसके साथ एथॉक्सी ले लेंगे अपन, यानी जो एक्स्ट्रा लेना है वो इसके साथ ले लो, आर वाले कंपाउंड बना लो ठीक। चलो देखो क्लोराइड है, यहाँ पे नाइट्राइल, नाइट्राइल के लिए क्या लेंगे, सी एन लेंगे, सी एन वाला कंपाउंड, के सी एन लेंगे ठीक, ध्यान रखना। चलो अच्छा यहाँ क्लोराइड है, यहाँ पर एथिल, तो एथिल, एथिल तो यही है, एथेनॉइड है, एथेनॉइड के लिए अपन को दो कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, तो दो कार्बन वाला अपन यहाँ पर ए जी वाला ले लेंगे, तो सी एस थ्री सी ओ ए जी ले लेंगे ठीक, सी एस सी सी डबल ओ ए जी ठीक, ये हो गया। एथिल क्लोराइड से नाइट्रो एथेन बनाना, नाइट्रो कंपाउंड के लिए क्या लेंगे, ए जी एन ओ टू ले लेंगे ठीक। तो बस ये डिसाइड करना है कि लेना क्या है, और इससे डिसाइड हो जाएगा टेबल से ठीक है। अब आइसोनाइट्रल के लिए वो सब बता चुका, ए जी सी एन लेना है ठीक, ये भी डन है। अब अमाइन के लिए क्या लेना, अमोनिया लेना, ये रिएक्शन हॉफमैन अभिक्रिया है, हॉफमैन अभिक्रिया, हॉफमैन रिएक्शन डन है। चलो भैया बुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं, बुर्ज रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन से टोलवीन बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन है और ये अपने पास, देखो क्लोरोबेंजीन से टोलवीन बना, तो क्लोरोबेंजीन लो, क्वेश्चन आ जाए ऐसा, क्लोरोबेंजीन टोलवीन बनाओ, समझ जाना टोलवीन किस में बनता है, एक तो अपने पास बेंजीन वाला कंपाउंड, एक अपने पास सी एस सी वाला कंपाउंड, तो ऐसा कब होता है जब बुर्ज फिटिंग होती है, तो बुर्ज फिटिंग पहचानी और कर देना उसको, रिएक्शन याद करी होगी आपने ठीक। एक साइड आपने लेना सी एस सी एल, एक साइड लेना बेंजीन सी एल ठीक, तो इसका एक अंतर आएगा, ये तो बहुत बार कर लिया भाई। चलो फिटिक आया, फिट अच्छा मेरा नेम रिएक्शन करी है कई बार हाँ, ओके सब अच्छा ऐसा आएगा। चलो ठीक है फिटिक रिएक्शन है, फिटिक में बेंजीन
यहाँ भी बेंजीन। अब देखो दोनों साइड बेंजीन बेंजीन होता है, फिटिक थोड़े चाचा जी है ना, तो फिटिक पिताजी हैं, फिटिक फिटिक पिताजी हाँ, तो बेंजीन बेंजीन दोनों साइड है। और यहाँ पर एन ए के साथ एक्स चले गए, दो एन ए के साथ दो एक्स चले गए, तो ये डाइफिनाइल बन जाता है। ठीक, क्वेश्चन आता है क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल बनाओ या बाइफिनाइल बनाओ कोई भी। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लिए, इस बार कराए स्टूडेंट ने, बहुत होनहार, बहुत होनहार, बहुत होशियार विद्यार्थी होते हुए, है ना। चलो बढ़िया एकदम, कुछ नहीं। अब हेलो अरीन की रिएक्शन आ गई। हेलो अरीन क्या है? हेलो अरीन के रासायनिक गुण देखना है अपन को। तो देखो करण वाली अभिक्रियाएं हैं, जैसे हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एसिडलीकरण, अल्काइलीकरण, ये सारी करण वाली अभिक्रियाएं हैं। इनमें क्या डालते हैं वो देख लो, और क्या जुड़ता है उस पर रखने, क्या जुड़ता है ना, बहुत होने विद्यार्थी है, क्या जुड़ता है। देखो अब हेलोजनीकरण करेंगे तो क्लोरीन डालेंगे और जुड़ेगा Cl, नाइट्रीकरण में HNO3 और NO2 जुड़ेगा, सल्फोनीकरण में ये SO3H जुड़ेगा, इसमें CsCOCl डालेंगे और CsCO जुड़ेगा, CsCl डालेंगे और CH3 जुड़ेगा, यहाँ पर CH3 जुड़ेगा। ठीक है, चलो ये नहीं जुड़ेगा, CsCl जुड़ेगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इन तीनों में किसमें, हेलोजनीकरण में, हेलोजनीकरण में, एसाइलेशन में और अल्काइलेशन में डलता है FeCl3 या AlCl3, ऐसा दिया होगा। ये कभी कभी लिखा रहता है अंधेरे में Fe, है ना, ऐसा भी लिखा रहता है कभी कभी, एक ही बात है। लेकिन नाइट्रीकरण में डलता है H2SO4 उत्प्रेरक की तरह, H2SO4, और सल्फोनेशन में तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद ही डल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हेलो अरीन की बात करते हैं। हेलो अरीन, बनाने की विधियाँ देखो, फिनॉल से, फिनॉल में HCl डाल, अब देखो ये बताओ फिनॉल था और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, OH हटाओ Cl लगाओ, कौन करेगा ऐसा, HCl करेगा, HOH खुल ही जाएगा, H2 बाहर हो जाएंगे। फिनॉल की सारी अभिक्रियाएं हैं वो सब सेम हो जाएंगी, SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, सब सेम होंगी। ठीक है, अपन को बस फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखते हैं अब सिल्वर बेंजोइड, वही हंसदीकर अभिक्रिया है ये, तो सिल्वर बेंजोइड CO2 बाहर हो गया AgCl के साथ, फिनाइल भी Cl के साथ। ठीक है, चलो बढ़िया। फ्रैंकलिन अभिक्रिया, चाचा है फ्रैंकलिन चाचा, जिंक डल जाएगा सोडियम, वो जब अभिक्रिया में ही सोडियम की जगह क्या डाल दो, जिंक डाल दो। प्रोपिल क्लोराइड लिखना, ये लिखना हेक्सेन, डबल कार्बन हो रहे हैं वो समझ जाना कौन है, फ्रैंकलिन है, डबल कार्बन समझ जाना फ्रैंकलिन है। ठीक, चलो भैया ख़त्म हो जाओ रे, कहाँ पे आ गए अपन, 16 दो पेज रिएक्शन बची हैं बस। बुज रिएक्शन में क्या होता है, बोजेशन में दोनों एल्केन वाले कंपाउंड लेते हैं, सोडियम दो ले लेंगे, दोनों एक्स को ले जाएगा, ये देखो दोनों एक्स को ले जाएगा और यहाँ बन जाएगा RR। ठीक, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना है, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन कैसे बनेगा, वही वाली बात है कि अब डबल कार्बन हो रहा है, बुर्ज समझ जाना। ठीक, बुर्ज है फ्रैंकलिन या बुर्ज डबल कार्बन में होता है। ठीक है, चलो भैया बुर्ज समझ जाओगे तो कर दोगे। राशि देखो, ये राशि थी कुकर से, ये कुकर है, कुकर से HCl निकाल दिया, HCl निकाल दिया उसने, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, मतलब ऑक्सीजन पे चढ़ा दिया, तो HCl निकाल दिया, खाली कुकर ऑक्सीजन पे चढ़ा दिया, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आ सकता है, तो राशि भी समझ जाना, राशि ने कराया ऐसा काम, राशि करती है ऐसे कारनामे। हेलो एल्कीन के रासायनिक गुण, हेलो एल्कीन के रासायनिक गुण, ये क्या, अच्छा वो Na दो, वो मैट्रिक थी, वो दो तीन Na की अभिक्रियाएं हैं, दो पोटेशियम की हैं, तीन सिल्वर की हैं, दो हाइड्रोजन की, अदर देखो ये अपन कर चुके सारे। ठीक है, हटाओ इसको, फाइनली अपना हेलो एल्कीन ख़त्म हो गया है, हेलो एल्केन ख़त्म हो गया है, थैंक यू वेरी मच, है ना। अब अपन देखेंगे अगले तीन चैप्टर जो बचे हैं वो देखेंगे, सारे कन्वर्जन देखेंगे उनके, इसमें कम कन्वर्जन थे, आगे ज़्यादा कन्वर्जन है कुछ, वो देखेंगे समझेंगे, एक एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सारा ऑर्डर का सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, डन हो जाएगा।